एक्चुअली ये ट्रेन से गांजा लाई थी, ये महिला थी निधि और दो लोग और उनके साथी थे जो FIR नाम उनके हैं। जी 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 हाँ, तो इनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पकड़ा गया था आगरा कैंटी रेलवे स्टेशन के, तो उनसे 10-10 किलो गांजा बरामद हुआ था तीन लोगों से। अच्छा, 10-10 किलो गांजा बरामद। हाँ जी जी जी, 30 किलो टोटल हुआ था, 10-10 किलो तीनों लोगों पे था जी, और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था जी, और इनको जेल भेजा गया। तो उस समय अभी क्या ये FIR क्लोज हो गया है सर, क्या स्टेटस है अभी? हाँ जी जी, नहीं FIR क्लोज हो गया, उसके खिलाफ चार्जशीट लग गई है न्यायालय में, अब इनका न्यायालय में चल रहा है सर। अच्छा, अभी इनका वो जो है केस न्यायालय में जा चुका है। जी जी, तो उस समय इनकी बेल करा दी गई थी? हाँ, इनकी बेल हो गई थी, इनकी बेल हो गई थी, 1.5 महीने बाद इनकी बेल हो गई थी। जी 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 जी, तो अभी कहाँ, वही आगरा कोर्ट में चल रहा है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस? जी जी हाँ, सेशन कोर्ट में, सेशन न्यायालय में चल रहा है। अच्छा, सेशन कोर्ट में अभी चल रहा है। हाँ, NDPS एक्ट की कोर्ट है हमारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ कोर्ट। और देखिए, एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में अभी हाल ही में निकल के आया है लेटेस्ट, वो ये है कि 6 दिसंबर 2020 का एक FIR सर्कुलेट हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि निधि को 10 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था आगरा पुलिस ने, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से SHO ने इनको पकड़ा। इनके साथ, निधि के साथ दो लोग और मौजूद थे, जो FIR में आपको धारा 154 के अंदर ये FIR दर्ज करी गई, यानी कि CRPC की धारा 154 है, वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति जब मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराता है, तो लिहाजा SHO ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई जब तीनों को गिरफ्तार किया। और आप आगे पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर हाईलाइटेड विजुअल है, उसमें दिखाया जा रहा है कि 10 किलो गांजा, 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया निधि के पास से, जो कि काले रंग के एक बैग में इस गांजे को लेकर अपने दो और साथियों के साथ आगरा कैंट पुलिस स्टेशन पर मौजूद थी। हमने जब बात करी फ़ोन पर, जो फ़ोनों आपको सुनाया जा रहा है, अभी आपको फ़ोनों सुनाने का प्रयास करता हूं मैं, फ़ोन पर हमने आगरा कैंट पुलिस स्टेशन में बात करी, उन्होंने बताया कि सेशन कोर्ट में अभी भी ये केस चल रहा है, यानी कि सज़ा लिहाजा हो सकती है, निधि के पर्सनल लॉयर इस केस को लड़ रहे होंगे। तो ये बात पुख्ता हो गई है कि निधि पहले से अवैध गतिविधियों में शामिल है, जो बात दिल्ली पुलिस ने अब कंफर्म कर ली है। हमने आपको एक्सक्लूसिव फ़ोनों सुनाया मोजो स्टोरी के चैनल पर, जिसमें आपने बयान सुना SI का, राजीव कुमार का, जो कि आगरा कैंट पुलिस स्टेशन से बताते हैं कि FIR बिल्कुल ठीक है और आगरा के सेशन कोर्ट में ये केस अभी भी पेंडिंग है। अब ऐसे में बहुत अहम हो जाता है ये देखना कि दिल्ली पुलिस आगे की तफ्तीश कैसे करती है, क्या निधि को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि फैमिली लगातार बयान देती आ रही है कि निधि इस मामले में इन्वॉल्व है, निधि ने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। इसके अलावा अब ये FIR वाला गांजा, अवैध गांजा जो बरामद किया गया था आगरा में 2 साल पहले 2020 में दिसंबर के महीने में, वो मामला भी आपके सामने आया। इसके अलावा जो निधि ने झूठा बयान दिया शराब पीने का, वो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कॉन्ट्राडिक्ट होता है। इसके अलावा जो बातें निधि के ओर से निकल के आ रही हैं, पैसे मांगने की, या तमाम बातें, इन सबको देखते हुए अब प्राइम सस्पेक्ट बनती हुई निधि नज़र आ रही हैं इस पूरे कंजावला मर्डर केस मामले में। कैमरा पर्सन मदनलाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।